हेलो फ्रेंड्स, आज हम अडोब पेज मेकर में शेप सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ से पेज की साइज A4 सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको A4 साइज का ब्लैंक पेज मिल गया है। अभी हम टूल बॉक्स में जाके रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। अभी हम एरो टूल लेंगे, उसमें अगर हमें रेक्टेंगल के बॉर्डर को कलर देना है तो सबसे पहले यहाँ पे है बॉर्डर कलर, वहां से सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ बॉर्डर को कलर देगा। उसके पास में है बैकग्राउंड कलर और लास्ट वन है बैकग्राउंड एंड बॉर्डर दोनों कलर। आप इस तरह से रेक्टेंगल को कलर बॉक्स में से कलर दे सकते हो। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर कलर देना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है इलिप्स यानी कि राउंड। सेम वे हमें राउंड की एरिया को अलग कलर देना है और बॉर्डर को अलग कलर देना है तो हम इस तरह से दोनों को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। उसके बाद है प्लाइगोन। प्लाइगोन को भी हमें अगर कलर देना है तो हम सिमिलर वे कलर बॉक्स में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है कलर सिलेक्ट करिए। आप देख सकते हो बॉर्डर को अलग कलर दिया हुआ है। सेम वे नेक्स्ट है हमारा हैंड टूल, जिससे हम पेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके देखेंगे। ये हो गए हमारे फ्रेम्स। थैंक यू।